जय साईं राम। हम लोग मंदिरों में देखते हैं कि आरती उतारी जाती है, परमात्मा की आरती पूजा की जाती है, परंतु बहुत कम जानते होंगे कि आरती पूजा क्यों की जाती है। क्या आप जानते हैं कि आरती पूजा क्यों होती है? दरअसल जब हम आरती करते हैं तो परमात्मा की एक तरह से नजर उतारना, उस प्रभु की नजर को उतारना और अपने पाठ पूजा में कोई गलती रह गई हो तो उसका निवारण करना। यानी इसके दो रीजन माने जाते हैं। नंबर एक कि हम अपने परमात्मा की ईष्ट की नजर उतारते हैं, जो पूरा दिन को दृष्टियां उन पर पड़ती हैं, पूरी नजरें भी उन पर पड़ती हैं, हम उनको उतारते। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है कि हम मानव किसी परमात्मा की नजर को उतारे, जब हम अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बच्चों की नजर उतार सकते हैं तो परमात्मा की नजर उतारने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? जब हम अपना बनाया हुआ खाना उस परमात्मा को खिला सकते हैं, अपने बनाए हुए वस्त्र उस परमात्मा को पहना सकते हैं, तो अपनी तरफ से नजर उतार ही। दूसरा जो मुख्य कारण है वह है जो हमारे पाठ पूजा में जो हम गलती कर जाते हैं, जो शब्द हम गलत उच्चारण कर जाते हैं, या पाठ पूजा में सेवा करने में कोई गलती रह जाती है, उसके निवारण हेतु जब हम आरती कर लेते हैं तो वह सारी गलतियां माफ कर देते हैं। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि हम मंदिर में या अपने घर पर धूप, दीप, अगरबत्ती या ज्योत जलाते हैं, इनके मुख्य कारण जो जलाने का मुख्य कारण है कि जो चीज जहां से निकलती है वहां जाती है। हम घर में जो जलाते हैं तो गर्मी से, यानी गर्मी सूर्य से निकलती है, सूर्य में जाती है तो वापस वहां जाती है, और वहां रास्ते में कितने देवी देवताओं से होते हुए जाती है। यदि हम ज्योत की तरफ देखकर कोई प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना उन देवी देवताओं से होकर गुजरती। इसी प्रकार जब हम धूप, दीप, अगरबत्ती कहते हैं, जलाते हैं, दीप और धूप, यानी अगरबत्ती और धूप जो हम जलाते हैं, इनको हम हवन के तुलना देते हैं। सतयुग में हवन किए जाते थे, कलयुग में हवन करना पॉसिबल नहीं है, तो अगरबत्ती और धूप में हवन सामग्री डालकर उनको ही ये रूप दे दिया गया। जब हम अपने घर में धूप या अगरबत्ती जलाते हैं तो ये हवन करने के तुल्य मानी जाती है, हवन करने के समान। तुलसी का पत्ता चबाना नहीं, क्यों? इसके दो मुख्य कारण, एक आध्यात्मिक, एक वैज्ञानिक कारण है कि तुलसी के पत्ते में पारा होता है, जब हम दांतों से चबाते हैं तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं, पारा यदि हमारे दांतों से लग जाए। आध्यात्मिक कारण यह है कि तुलसी को लक्ष्मी माता का रूप माना गया है, और जब हम पत्ते को चबाते हैं तो समझ लीजिए अपनी माँ को दांत खा, इसलिए तुलसी को साबुत निगलना चाहिए, उबालना पीनी, जैसे चाय में डालना है तो चाय बनाकर उसमें डाल, उबालने से इससे गुण वैसे भी खत्म हो जाते हैं, और यदि निगलना हो तो साबुत निगलना चाहिए, चबाना नहीं चाहिए, या फिर तोड़कर पीसित करकर जुबान पर रखकर आप निकल सकते। दांतों से चबाने से दांत खराब। मंदिर की घंटी क्यों बजाते हैं? मंदिर की घंटी इसलिए बजाते हैं क्योंकि जब मंदिर की घंटी बजाई जाती है तो बहुत से कीटाणुओं का नाश होता है, और उसका स्वर जो टन जो स्वर होता है वो हमारी ज्ञान इंद्रियों को जागृत करता है, और साथ ही साथ हजारों लाखों कीटाणुओं का वातावरण में नाश होता है और शुद्धिकरण होता है। जय श्री कृष्ण।